अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं अताबाद लेक में और आज हमारा डे 3 है। तो हम पूरी आपको अताबाद लेक हम पूरा इसको आपको रिव्यू देंगे इसका। अतर साहब तो हमें मस्जिद गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अतर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा भाई, थोड़ा सा हमें इसका गाइड कीजिएगा झील के बारे में। डे 3 आज हमारा हम खुंजराब पास के लिए जा रहे थे रास्ते में, तो ये टनल्स भी हमने रास्ते में कवर की हैं। तो ये अताबाद झील है, बेसिकली ये बनी नहीं है नेशनली, ठीक है। ये यहाँ के मुकामी लोग जो बताते हैं कि यहाँ पे एक पहले गांव होता था, उसके बाद ये पहले गांव यहाँ पे होता था, वो पहाड़ के जंजिले से या किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से ये लेक बनी है। उसके बाद यहाँ पे लोग बोटिंग दूसरी होती थी, टनल्स नहीं होती थी, टनल्स अभी इन्होंने बनाई है यहाँ पर। तो बेसिकली एक टूरिस्ट पॉइंट है, तो बाकी जितने पॉइंट्स नॉर्दर्न एरिया में बेसिकली होते हैं वो नेचुरली होते हैं, किसी डिज़ास्टर से या उससे नहीं बने होते। तो ये वन ऑफ द रेयर प्लेस है जो नेचुरल डिज़ास्टर से बना है, और अपनी खूबसूरती यानी कि लुक इसने ऐसे बनाई है कि लोग बिलीव नहीं करते कि ये नेशनली कोई लेक है। ठीक है। अच्छा मजीद अभी हमें क्या दिखा रहे हैं आप? अभी हम खुंजराब पास के रास्ते में हम लोग पासिकौस में रुकेंगे, उसके बाद हमारा हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज आएगा, फिर उसके बाद सुस्त बाज़ार आएगा, फिर हमारा इंशाल्लाह खुंजराब टॉप आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। मस्जिद क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, चल के देखते हैं। यहाँ मस्जिद अभी क्योंकि थोड़ा बहुत आज इनका ऑफ है, हाफ ब्रेक है, कहीं इनका इवेंट है, इस वजह से बोटिंग वगैरह जेट स्कीइंग वगैरह ऑफ है। तो वैसे नॉर्मली इस टाइम पे यहाँ जेट स्कीइंग और बोटिंग वगैरह हो रही होती है, तो इस वजह से थोड़ा टूरिस्ट भी आज कम है, तो इस वजह से आज यहाँ पर इतनी टूरिस्ट प्लेस पर जो है ना रश नहीं है। ठीक है, तो मतलब आज बिल्कुल विजिट नहीं करा रहे हैं लोग? नहीं, विजिट कर रहे हैं लेकिन बोट्स वगैरह अभी नहीं होंगी, वो 12 बजे के बाद होंगी, तो इस वजह से अभी जो है ना सिर्फ आप प्लेस विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो वापसी में अपन स्टे? जी जी जी, वापसी में जी जी हम दोबारा रुकेंगे यहाँ पे, और बोटिंग और जेट स्कीइंग वगैरह होगी हमारी। चलिए नाज़रीन, हम वापसी में आफ्टरनून हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे मज़ीद।